देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर श्रद्धा वॉलकर जैसे हत्याकांड से दहल गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नजफगढ़ के रहने वाले साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया है। साहिल पर अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की मर्डर करके उसका शव फ्रिज में छिपाने का आरोप है। इतना ही नहीं, साहिल ने निक्की का मर्डर करने के बाद अगले ही दिन शादी भी कर ली। मंगलवार को छठे दिन पुलिस ने निक्की का शव आरोपी के घर के 700 मीटर के दूर एक ढाबे के फ्रिज से बरामद किया है। अब आज निक्की का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक साहिल ने निक्की के मर्डर की बात कबूल कर ली है। साहिल ने पुलिस को बताया कि परिवार वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। वो निक्की को समझाने गया था, लेकिन निक्की से बातचीत के दौरान उससे गुस्सा आ गया और उसने मोबाइल चार्जर के केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को फ्रिज में छिपा दिया। राजधानी दिल्ली में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को अपने ही ढाबे के फ्रिज में 3 दिन तक छुपा कर रखा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। निक्की यादव के साथ पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप था उनका। साहिल गहलोत के परिवार वालों ने उनकी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दी थी। उसको अपने मोबाइल फ़ोन की केबल वायर से उसका गला घोंट के उसको मार दिया। 6 साल पुरानी दोस्ती, प्यार मोहब्बत की कसमें, साथ जीने मरने का वादा, सब फना हो गया। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में पुलिस ने आफताब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की ही थी कि अब निक्की यादव का शव इस ढाबे के फ्रिज से बरामद हुआ है। यही वो फ्रिज है जिसमें 6 दिन तक निक्की यादव का शव रखा रहा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े साहिल गहलोत ने उस निक्की को बेरहमी से मार डाला जिसके साथ वो पिछले 6 सालों से रह रहा था। दोनों की पहली मुलाकात साल 2018 में हुई, वहीं से प्यार हुआ। लेकिन साहिल पर दूसरी जगह शादी का दबाव पड़ा तो उसने 9 फरवरी को निक्की का मर्डर करके अगले ही दिन 10 फरवरी को शादी कर ली और दुनिया को ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हर अपराध अपने पीछे सबूतों की बारीक लकीर खींची देता है। मामला तब खुला जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक इनपुट मिला और उसी इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जो मित्राओं गांव का ये ढाबा है वहां पर रेड की और यहां पर रखे फ्रिज से मृतक लड़की के शव को बरामद किया और लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। इस फ्रिज में निक्की का शव देखा तो एक पल के लिए पुलिस के होश भी उड़ गए। साहिल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उसकी ही निशानदेही पर पुलिस ने मित्रावा गांव के इस ढाबे से निक्की का शव बरामद किया। पूछताछ में साहिल गहलोत ने बताया कि उसकी और हरियाणा की रहने वाली निक्की की मुलाकात साल 2018 में उत्तम नगर के एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। कोचिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। दोनों कमरा लेकर ग्रेटर नोएडा में ही लिव इन में रहने लगे। लेकिन इन दोनों की दोस्ती साहिल गहलोत के परिवार को पसंद नहीं थी और उन्होंने साहिल की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी। इसके बाद ही साहिल ने खौफनाक वारदात का जाल बुन लिया। साहिल ने साजिश का ताना बाना इस तरह बुना कि कोई सबूत बाकी ना रहे। इन सब बातों से अनजान निक्की साहिल के साथ गोवा जाने की प्लानिंग कर रही थी। साहिल की गोवा की टिकट कंफर्म नहीं हुई तो दोनों ने उत्तराखंड जाने का प्लान बनाया। 9 फरवरी को उत्तराखंड की बस लेने के लिए दोनों आनंद विहार पहुंचे। आनंद विहार से उन्हें पता चला कि बस कश्मीरी गेट बस अड्डे से मिलेगी। दोनों कश्मीरी गेट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में दोनों के बीच शादी की बात पर कहा सुनी हो गई। गुस्से में साहिल ने मोबाइल की केबल से निक्की का गला घोंट दिया। साहिल के सामने अब समस्या निक्की का शव ठिकाने लगाने की थी, इसलिए वो आनंद विहार से करीब 40 किलोमीटर दूर नजफगढ़ के पास मित्रावा गांव में बने अपने ढाबे तक निक्की का शव लेकर गया। इस नक्शे में देखिए, आनंद विहार से मित्रावा गांव की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। यहीं पर साहिल गहलोत का ढाबा है। ये वही ढाबा है और आरोपी का खुद का ढाबा है। वो खुद इस ढाबे को चलाता था और यहाँ पर जो ये एक टेम्परेरी
कमरा बना हुआ है लोहे की टीन शेड से, यहां पर वो फ्रिज रखा हुआ था जिसमें उसने लड़की के शव को तकरीबन 3 दिन तक छुपा कर रखा। लेकिन सवाल ये है, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दिया गया। आरोपी जो लड़का है साहिल गहलोत, उसने मृतक लड़की को का गला दबाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के बाद उसके शव को अपनी वरना गाड़ी में रखकर तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मित्राऊ गांव में इस ढाबे में लेके आए। इस बीच हत्याकांड के सामने आने के बाद हर कोई सकते में है, तो सियासत भी शुरू हो गई है। मौका देखकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को घेरना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, देश की राजधानी में अपराधियों का इस तरह बेखौफ होना बहुत चिंताजनक है। दिल्ली में इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को कृपया गंभीरता से लीजिए उपराज्यपाल साहिब, हम पूरा सहयोग करेंगे। साहिल से अभी पूछताछ जारी है। आज निक्की के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या निक्की यादव के शव के साथ साहिल ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की जैसी श्रद्धा वॉल्कर केस में आफ्ताब ने की थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।